मैं विकास गंगवार फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सबका विकास सर क्लासेस में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर लूप। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इटरेशन कंस्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा था। उस इटरेशन कंस्ट्रक्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्रोग्राम में इटरेशन स्टेटमेंट्स के थ्रू, जिनको हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं और जिन्हें हम लूप्स भी बोलते हैं। पाइथन में दो तरीके के लूप्स है, एक फॉर और एक व्हाइल। तो माय फ्रेंड्स आज हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फॉर लूप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप। तो डियर फ्रेंड्स देखिए क्या बोल रहा है फॉर लूप। द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट रिपीट इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज और ए सीक्वेंस। तो माय फ्रेंड इस स्टेटमेंट का, इस लूप का यूज करेंगे हम लोग अपने आप को रिपीट कराने के लिए, किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट कराने के लिए, जो किसके ऊपर डिफाइन की जाएंगी, ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज। एक वैल्यूज के कलेक्शन पर, एक वैल्यूज की रेंज पर हम लोग डिफाइन करेंगे अपने फॉर लूप को। और माय फ्रेंड इन कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज को आप लोग सीक्वेंस भी बोलते हैं। तो भाई इसका मतलब फॉर लूप इटरेट करता है, रिपीट करता है स्टेटमेंट्स को वैल्यूज के ऊपर, सीक्वेंस के ऊपर। ओके, सीक्वेंस आप लोग जानते हो क्या क्या हो सकते हैं, न्यूमेरिक हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, एक लिस्ट हो सकती है, एक टपल हो सकता है। जितनी भी वैल्यूज भाई उस सीक्वेंस में होंगी, जितने भी आइटम उस रेंज में होंगे, उन सब के लिए फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा। और जब माय फ्रेंड रेंज के अंदर की सारी वैल्यूज को हम लोग ट्रावर्स कर चुके होंगे, सबसे हम लोग गुजर चुके होंगे, सब पर एग्जीक्यूट करा चुके होंगे, देन बॉडी ऑफ लूप और एग्जीक्यूट नहीं होगी, वहीं पर उस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम ट्रांसफर हो जाएगा इमिडिएटली कहां पर, उस फॉर लूप के बाहर, उस फॉर लूप के बाद जो स्टेटमेंट है वहां हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल पहुंच जाएगा। दोस्तों हम यहाँ पर वैल्यू सीक्वेंस में दे रहे हैं, रेंज में दे रहे हैं, इसका मतलब हमें पहले से पता है, हमें एडवांस में ही पता है कि भाई हमारी बॉडी, लूप की बॉडी कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाली है, कितनी बार रिपीटेशन होगा, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं इस लूप के अंदर। इसलिए माय फ्रेंड इसको काउंटिंग लूप भी कहते हैं और डेफिनेट लूप भी कहते हैं। तो फॉर लूप के दूसरे नाम हो गए काउंटिंग लूप और डेफिनेट लूप, मतलब काउंटिंग करेगा और एक फिक्स रेंज के ऊपर, एक फिक्स कलेक्शन ऑफ वैल्यूज के ऊपर अपनी बॉडी को एग्जीक्यूट कराएगा। आइए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, कैसा है इसका सिंटैक्स। सबसे पहले माय फ्रेंड आप कीवर्ड लिखोगे अपना फॉर, उसके बाद एक वेरिएबल दोगे जिसके थ्रू आप अपनी वैल्यूज को इटरेट करोगे, और फिर माय फ्रेंड हम लोगों ने लगाया इन कीवर्ड, मेंबरशिप ऑपरेटर है आप लोग अच्छे से जानते हो, और फाइनली फिर हम लोग देंगे इसके अंदर क्या वो वैल्यूज, वो सीक्वेंस जिनके ऊपर हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा। और फिर हमने लगाया भाई कॉलन, उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप लिखी जाएगी, वो स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी जो रिपीट होंगी, इन्हीं स्टेटमेंट्स को हमें बार बार प्रिंट कराना होगा, रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना होगा। तो दोस्तों ये है हमारा फॉर लूप का सिंटैक्स। हम कह सकते हैं कि भाई फॉर लूप भी हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, ये इसका एक हेडर हो गया और यहाँ पर कॉलन, और फिर उसकी क्या हो गई, बॉडी हो गई। माय फ्रेंड्स ये जो कंट्रोल वेरिएबल है यहाँ पर, ये कैसा वेरिएबल है जो हर बार एक नई वैल्यू लेगा उस रेंज के अंदर से, उस सिक्वेंस के अंदर से, और हर बार बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा उस वैल्यू के ऊपर। ओके माई फ्रेंड्स, अब चलिए माय फ्रेंड्स इसी बात को समझ लेते हैं एक फ्लो चार्ट से। सबसे पहले माय फ्रेंड इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, मतलब वो स्टार्टिंग वैल्यू जिस पर हमारी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद माय फ्रेंड हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन, हमारी टेस्ट कंडीशन, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि भाई हमारी वैल्यू उस सीक्वेंस में, उस रेंज में एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करती होगी मतलब कंडीशन ट्रू होगी, तो माय फ्रेंड ये एग्जीक्यूट हो जाएगी हमारी बॉडी ऑफ लूप, और उसके बाद फिर क्या होगी, वैल्यू अपडेट होगी, वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे। तो भाई वो काम करेंगे हमारी अपडेट स्टेटमेंट, इसके थ्रू हम अपनी वैल्यू को चेंज करेंगे। फॉर लूप में हम लोग रेंज फंक्शन लेते हैं, सिक्वेंस लेते हैं, इसलिए आपके कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी
हम लोगों को अलग से अपडेट स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब जो वैल्यू चेंज होकर आई उसके बाद भी अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो माय फ्रेंड दोबारा हमारी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी। तो दोस्तों जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगी, ये बॉडी हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी। और जब माय फ्रेंड हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम लोग कहां आ जाएंगे, लूप के बाहर आ जाएंगे, लूप से एग्जिट कर लेंगे, और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी जो एग्जैक्टली हमारे फॉर लूप के बाहर है, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो देखिए यहाँ मैंने शो किया हुआ है स्टेटमेंट जस्ट बिलो फॉर लूप, मतलब वो स्टेटमेंट जो बिल्कुल नीचे है फॉर लूप के बाहर है। तो भाई ये फ्लो हुआ हमारे फॉर लूप का, जो मैंने आप लोगों को समझा दिया इस अट्रैक्टिव फ्लो चार्ट से। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं अपने फॉर लूप को अपने प्रोग्राम के अंदर। देखिए माय फ्रेंड, फर्स्ट एग्जांपल फॉर लूप आप लोगों ने ये शुरू किया, कंट्रोल वेरिएबल आई लिया इन रेंज 5। तो हम लोगों ने रेंज फंक्शन पढ़ा हुआ है, जिसको रेंज फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मेरा लास्ट लेक्चर देख ले, अच्छे से आ जाएगा रेंज फंक्शन समझ में। तो भाई आप लोगों को पता है कि ये रेंज फंक्शन 5 में कहां से कहां तक वैल्यू मिलेगी, 0 से लेकर 4 तक। तो सबसे पहले आई चलेगा 0 के लिए, चेकिंग होगी इन ऑपरेटर से, क्या भाई 0 एग्जिस्ट करता है इस रेंज में। हाँ भाई एग्जिस्ट करता है। तो हमने माय फ्रेंड उस आई को प्रिंट करा दिया, अपने कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो माय फ्रेंड देखिए क्या आउटपुट आ गया यहाँ पर, 0। अब भाई नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेगा जो क्या है हमारी 1। तो ऐसे ही जब तक हमारी वैल्यूज मिलती रहेगी, जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी, हमारी वैल्यूज प्रिंट होती रहेगी। जैसे यहाँ पर हमें आउटपुट मिल गया 1 2 3 4, 0 से लेकर माय फ्रेंड 4 तक हमारा आउटपुट आ गया। तो दोस्तों ऐसे एग्जीक्यूशन होता है आपके फॉर लूप का। और एग्जांपल देखो यार, अभी तो सिर्फ पहला एग्जांपल दिया है। देखिए फॉर आई इन रेंज स्टार्टिंग इस बार कहां से की है, 2 से, और माय फ्रेंड कहां तक जा रहे हो, 12 तक। आपको पता है 12 इंक्लूड नहीं होगा, और कितने कितने का इंक्रीमेंट किया इस बार आप लोगों ने, 2 का। तो 2 के गैप पर वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले माय फ्रेंड 2 के लिए एग्जीक्यूट होगा, देख लीजिए आ गया 2। उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हुआ होगा 4, फिर चेकिंग होगी कि 4 एग्जिस्ट करता है, जी हाँ करता है, तो 4 प्रिंट हो गया। ऐसे माय फ्रेंड 6 प्रिंट होगा, ऐसे ही 8, ऐसे ही 10। अब जैसे ही 12 होगा, तो आप लोगों को पता है यार ये अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब ये 11 तक जाना चाहिए था, लेकिन 10 के बाद 2 का इंक्रीमेंट करोगे तो 12 आएगा। तो भाई वो तो इसके अंदर लाइक करता नहीं है, तो इसलिए माय फ्रेंड कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमें आउटपुट सिर्फ कहां तक मिलेगा, 10 तक। ओके, अब थर्ड एग्जांपल, या मैंने लिया फॉर लूप, और यहां माय फ्रेंड मैंने एक ली हुई है लिस्ट। तो ये एक आपको सीक्वेंस दिया हुआ है वैल्यूज का एक लिस्ट के थ्रू। क्या क्या है वैल्यूज के अंदर, 1 4 और 7, मतलब ये 3 वैल्यूज के लिए चलेगा हमारा फॉर लूप। सबसे पहले आई की वैल्यू माय फ्रेंड क्या ली जाएगी, 1। जी हाँ, इस सीक्वेंस में 1 एग्जिस्ट करता है, तो देख लीजिए क्या प्रिंट हो गया, i into i, 1 into 1 कितना होता है, 1 होता है, ये आउटपुट हमें मिल गया। अब नेक्स्ट वैल्यू पर जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 4। फिर चेक कर रहा है यहाँ पर 4 भाई इस सीक्वेंस के अंदर है, तो क्या प्रिंट हो रहा है, 4 into 4, मतलब 16। Then, final value, 7. 7 भी अभी है आपके sequence में, तो भाई 7 into 7, हमें output मिल गया 49। तो भाई ये हमने range function के भी example देख लिए, list का भी देख लिया, अब देख लो ये string का। Again, मैंने एक control variable लिया ch in Vikas, एक string दे दी मैंने Vikas, अपने आप को याद कर लिया, अपना नाम ले लिया Vikas भाई ने। तो my friend कैसे चलेगा loop, सबसे पहले check करेगा क्या ch v है, तो यस वी है, तो भाई कंडीशन ट्रू हो गई, क्या प्रिंट कर दिया CH, तो आपको क्या मिल गया, वी मिल गया। उसके बाद दोस्तों आई के लिए होगा, आई भी है इसके अंदर, फिर आई प्रिंट होगा, ऐसे माय फ्रेंड के प्रिंट होगा, फिर ए प्रिंट होगा, और फिर एस प्रिंट होगा, और जैसे माय फ्रेंड ये सीक्वेंस खत्म होगा, ये स्ट्रिंग खत्म होगी, फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग बाहर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एक L वेरिएबल लिया माय फ्रेंड, जिसमें मैंने इस टपल को सेव कराया है 1 और 2 पैरेंथेसिस के अंदर बंद है, इसका मतलब ये क्या है, टपल है। तो कंडीशन देखो कैसे लगाई है, फॉर आई इन L, मतलब भाई इस L इस सीक्वेंस पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, अपने फॉर लूप को, कंट्रोल वेरिएबल को चला रहे हैं।
तो आप देखो भाई L में क्या है 1 2, तो पहले 1 के लिए प्रिंट होगा 1 इन L, जी हाँ बिल्कुल है। तो आपने क्या प्रिंट किया है L into 2, इस बार आपने कंट्रोल वेरिएबल प्रिंट नहीं किया, आई वेरिएबल प्रिंट नहीं किया, इस बार आपने पूरे टपल को प्रिंट किया है और साथ में मल्टीप्लाई दिया है 2। तो दोस्तों ये आप लोग जानते हो रेप्लिकेशन ऑपरेटर की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, इसलिए उसने 1 2 1 2 दो बार प्रिंट कर दिया है। ओके, अब हमारा फॉर लूप नेक्स्ट वैल्यू के लिए चल रहा है, 2 के लिए अगेन आप लोगों ने प्रिंट कर लिया अपने L को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब रेप्लिकेट करके, तो अगेन आप लोगों को दो बार रिपीटेड मिल गया। तो भाई हमें साफ यहाँ पर समझ में आ रहा है कि हमारा फॉर लूप 2 टाइम्स चल रहा है, दोनों वैल्यू पे रन कर रहा है। तो दोस्तों इजी समझ में आ गया होगा आप लोगों को फॉर लूप। आइए भाई अब इनको अपनी पाइथन शेल पर जल्दी से देखते हैं, पाइथन आईडीएल पर इनको रन कराते हैं। तो माय फ्रेंड्स ये आ गई हमारी पाइथन शेल, यहाँ से गया मैं फाइल पर और माय फ्रेंड मैंने एक न्यू फाइल बना ली, एक न्यू फाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पर लिखेंगे हम अपने प्रोग्राम को यूजिंग फॉर लूप। क्या प्रोग्राम बनाओ माय फ्रेंड, मैं दोस्तों प्रिंट करना चाहता हूँ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, मैंने लिखा माय फ्रेंड्स टू डिस्प्ले नेचुरल नंबर्स 1 to 10। ठीक है, हम प्रोग्राम बना रहे हैं अपने नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करा रहे हैं, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। तो भाई कैसे लिखोगे कोड, आइए लिखते हैं। मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, स्टार्ट किया मैंने कहां से 1 से, और माय फ्रेंड कहां तक दूं मैं इसको 11 तक, स्टॉप वैल्यू मैंने क्या दी इसमें 11, क्योंकि आप लोगों को पता है माय फ्रेंड ये हमारा फॉर लूप कहां तक चलेगा 10 तक चलेगा, 11 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, अपर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। अब इसकी बॉडी में क्या दें, प्रिंट करा दें किसको, आई को, चलिए भाई करा देते हैं। मैंने लिखा प्रिंट और किसको प्रिंट करा दिया आई। ठीक है, अब सेव कर लेते हैं, नाम दे देते हैं भाई नम 1 to 10। ओके, ये हो गया इसका नाम। अब रन करा लो जल्दी से, F5 प्रेस किया, देखिए भाई आ गए आपके नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10। ओके मेरे दोस्तों आ गया समझ कैसे लिख रहे हैं हम लोग अपने फॉर लूप को, और प्रोग्राम देखने हैं फॉर लूप से, चलो यार और प्रोग्राम बनाते हैं। तो माय फ्रेंड्स मैं फिर जा रहा हूँ अपनी फाइल पर, और ये आ गई हमारी नई फाइल। अब माय फ्रेंड्स मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ प्रिंटिंग टेबल ऑफ अ नंबर, क्या डिस्प्ले कराने वाले हम लोग, एक टेबल, किसी भी नंबर की टेबल हम लोग यहाँ पर शो कर देंगे, आपके सामने पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी। चलिए प्रोग्राम का नाम देते हैं, ये हो गई कमेंट लाइन टेबल ऑफ ए नंबर। ठीक है, ये तो हुआ प्रोग्राम का नाम। अब माय फ्रेंड वो वेरिएबल बनाते हैं, वो नंबर लेते हैं जिसकी भाई हमें टेबल डिस्प्ले करनी है, हमें टेबल यहाँ पर लानी है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया n और इनपुट करवाया उस नंबर को, एंटर द नंबर। ठीक है, ये तो हो गया भाई हमारा मैसेज जो हमसे एक नंबर की डिमांड करेगा। अब माय फ्रेंड फॉर लूप देखिए कैसे लगा रहा हूं मैं, मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज, कहां से कहां तक रेंज, 1 से लेकर 11 तक। अब मेन चीज माय फ्रेंड यहां पर देखिएगा प्रिंट किस तरीके से मैं करा रहा हूं, बचपन में टेबल्स पढ़ी थी ना, याद की थी ना कैसे लिखते थे, जैसे एग्जांपल मैं ले रहा हूं 3 की टेबल, 3 into 1 equal to 3, 3 into 2 equal to 6। तो माय फ्रेंड ऐसे ही मैं प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को अपनी सुंदर सी टेबल यहाँ पर दिखने वाली है किसी भी नंबर की। मैंने लिखा यहाँ प्रिंट, अब पहले माय फ्रेंड मैं लिख रहा हूँ अपने n को, उसके बाद माय फ्रेंड्स डबल कोट्स में मैंने दिया मल्टीप्लाई का साइन, और फिर यहाँ पर i की वैल्यू को प्रिंट करा रहा हूँ, उसके बाद डबल कोट्स में मैंने लिखा इक्वल टू, देन फाइनली माय फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया n into i। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देखना इस स्टेटमेंट से हमारी पूरी की पूरी टेबल आ जाएगी, सुंदर सी किसी भी नंबर की टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। तो भाई रन कराते हैं इसको, पर रन कराने से पहले हमें इसे सेव कराना पड़ेगा। लीजिए मैंने प्रेस किया कंट्रोल प्लस एस, नाम दे दिया माय फ्रेंड मैंने टेबल, और ये हो गया हमारा सेव, और माय फ्रेंड ये हो गया हमारा रन, एंटर द नंबर। अब आपसे क्या मांग रहा है, नंबर मांग रहा है भाई, वो नंबर एंटर करो जिसकी टेबल देखना चाहते हो। किसकी टेबल डिस्प्ले करा दो बताओ, किस नंबर की टेबल देखना चाहते हो, 10 तक तो याद है ना टेबल, आगे मैं जानता हूँ याद नहीं होगी, 80% लोगों को 13 के बाद टेबल्स याद नहीं होगी। चलो यार मैं 14 की टेबल आप लोगों के सामने शो करता हूँ।
मैंने यहाँ पर इनपुट कराया 14 और अब मैंने प्रेस किया एंटर, तो देखिए कैसे आ रही है हमारी टेबल। 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28, 14 × 3 = 42 और 14 × 10 = 140। कुछ बचपन की याद आई। जी हाँ, ऐसे लिखते थे हम अपनी कॉपियों में किसी भी नंबर की टेबल्स को। 2 से 20 तक हम लोगों को टीचर्स मोस्टली याद करने के लिए कहते थे। और भी किसी नंबर की टेबल देखनी है तो मेरे प्यारे दोस्तों टेंशन क्यों लेते हो, चलो एक बार और रन करा देते हैं। ये रहा मेरा प्रोग्राम, फिर मैंने इसको रन कराया। इस बार माय फ्रेंड मैं डिस्प्ले कर देता हूँ आप लोगों को 23 का टेबल। ठीक है, मैंने 23 एंटर कराया और ये आ गई भाई आपके सामने 23 की टेबल। तो माय फ्रेंड्स ये दो प्रोग्राम आप लोगों ने देख लिए अपने फॉर लूप के। चलिए एक और नई फाइल लेते हैं, फिर एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। इस बार माय फ्रेंड्स मैं बना रहा हूँ सम ऑफ नंबर्स का, कहां से कहां तक, मैंने कहा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स का मुझे सम करना है। ओके, तो चलो ये बनाते हैं प्रोग्राम। मैंने नाम दिया सम ऑफ नंबर्स 1 to 50। तो माय फ्रेंड सम को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए। तो याद रखना दोस्तों, सम नाम के वेरिएबल को हम लोग हमेशा 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं ताकि उसके अंदर कोई गार्बेज वैल्यू ना आए। अब मैंने फॉर लूप लगाया, फिर मैंने लिखा आई इन रेंज 1, 51, क्योंकि आपको पता है तभी ये कहां तक चलेगा, 50 तक। ओके, अब माय फ्रेंड यहां पर जस्ट एक लाइन लिख दी मैंने, सम प्लस इक्वल टू आई, और फिर मैंने प्रिंट करा दिया। मैंने पहले मैसेज दिया सम ऑफ नंबर्स 1 to 50 और उसके बाद प्रिंट करा दिया सम को। ठीक है, चलिए इसको भी सेव कराते हैं, नाम दे देते हैं सम और ये हुआ सेव। अब ये हुआ रन, तो देखिए क्या आ गया आउटपुट 1275। आप लोग भी निकाल कर देख लीजिएगा भाई 1 से 50 तक का सम क्या होता है, टैली कर लीजिएगा हमारा आउटपुट सही है या नहीं। तो ये हुआ हमारा थर्ड प्रोग्राम। फिर लेता हूँ मैं एक नई फाइल, फिर बताता हूँ आप लोगों का फोर्थ प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप से। तो भाई ये है हमारी नई फाइल। इस बार माय फ्रेंड मैं रेंज फंक्शन का यूज नहीं करूंगा, अब मैं एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। मैंने कहा एक वर्ड है जिसके हर लेटर के बाद मैं किसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, हाइफन को। किसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ माय फ्रेंड, हाइफन। ओके, चलिए लिखते हैं। मैंने लिखा टू डिस्प्ले अ वर्ड हैविंग हाइफन बिटवीन ईच लेटर इन अ वर्ड। ओके, ऐसा कुछ माय फ्रेंड हम लोग डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। तो लिखते हैं प्रोग्राम। तो भाई क्या करें, सबसे पहले वो वर्ड एंटर कराए, वो स्ट्रिंग एंटर कराए जिसके हर लेटर के बीच आप लोग क्या चाह रहे हो, हाइफन चाह रहे हो। तो मैंने फ्रेंड एक वेरिएबल लिया वर्ड इक्वल टू, मैंने इनपुट कराया एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये तो हमारा वो वर्ड वो स्ट्रिंग एंटर हो जाएगी जिसके हर लेटर के बीच हम लोग हाइफन चाहेंगे। अब फॉर लूप देखिए, फॉर आई इन, क्या करें यहाँ पर डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम दे दो भाई जिसके अंदर आपकी स्ट्रिंग आने वाली है, जिसके अंदर आपका वो वर्ड आने वाला है। तो हमारा वेरिएबल भी कौन है, वर्ड ही है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया वर्ड, फिर कॉलन लगाया और कैसे प्रिंट कराऊं, मैंने टाइप किया प्रिंट, सबसे पहले आई को प्रिंट कराए, फिर सिंगल कोट्स माय फ्रेंड मैंने दे दिया हाइफन, और फाइनली मैंने लिया एंड पैरामीटर और जिसमें मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी ताकि माय फ्रेंड हमारे हर लेटर के बाद नेक्स्ट लाइन से प्रिंट ना हो, क्योंकि प्रिंट फंक्शन आप लोग जानते हो न्यू लाइन कैरेक्टर अपेंड होता है इसके अंदर, हमेशा न्यू लाइन में आपको ले जाता है, पर अभी हम ऐसा नहीं चाहते। चलिए जल्दी से इसको सेव कराते हैं। मैंने किया कंट्रोल प्लस एस, मैंने माय फ्रेंड नाम दिया हाइफन, इसको सेव करा लिया। तो ये हो गया भाई सेव, अब इसको रन करा लेते हैं। बोल रहा है एंटर स्ट्रिंग, मैंने कहा यार मैं एंटर कर रहा हूँ इंडियन, भारतीय हूँ मैं, तो माय फ्रेंड मैंने ये लिखा इंडियन। ओके, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है, देख लीजिए भाई क्या आ गया, इंडियन और सबके बीच में क्या आ रहा है, हाइफन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का एग्जीक्यूशन कराते हैं। अब भाई जल्दी से एक और प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें हम लोग लिस्ट को यूज करेंगे, एक सीक्वेंस को यूज करेंगे, जिसमें हम लोग एक लिस्ट सीक्वेंस को यूज करेंगे। तो चलिए फिर एक नई फाइल लेते हैं, ये आ गई हमारी नई फाइल। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का नाम दिया स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स 11 to 15। ओके, तो 11 से 15 तक के स्क्वायर्स हम लोगों को चाहिए, कैसे देखें आइए देखते हैं इस चीज को। मैंने माय फ्रेंड लिया फॉर आई इन, एक सीक्वेंस यहाँ पर मैंने दिया 11, 12, 13, 14 और 15।
तो भाई इस हर एक वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट करेगी हमारी बॉडी ऑफ द लूप। अब प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। मैंने टाइप किया प्रिंट और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया आई इंटू आई, ओके, और फिर मैंने प्रिंट किया यहाँ पर आई इंटू आई, जिससे हम लोगों को दोस्तों क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा इन सारे नंबर्स का। छोटा सा प्रोग्राम है, आइए इसको भी सेव करा लेते हैं। नाम दे दिया माय फ्रेंड स्क्वायर और ये हमने सेव करा लिया। अब मैंने इसको रन करा दिया तो देख लीजिए 11 से 15 तक के स्क्वायर्स आ गए आप लोगों के सामने। स्क्वायर्स याद है या नहीं है? पाइथन सीखने वालों मैथ्स भी सीख सकते हो आप लोग। मेरी एक वीडियो है स्क्वायर्स ऑफ नंबर 1 टू 50, देख लेना जाकर। 1 से 50 तक के स्क्वायर्स आप वहां से याद कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिए फॉर लूप के, जिससे आप लोगों को अब इजीली समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं हम अपने प्रोग्राम में फॉर लूप को, ओके। तो ये खत्म हुआ दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा फॉर लूप का लेक्चर। तो माय फ्रेंड्स अच्छा लगा फॉर लूप, इंटरेस्टिंग था टॉपिक, अलग अलग तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को प्रिंट करा पा रहे हैं यूजिंग फॉर लूप। बहुत यूजफुल, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज्यादा यूज हम लोग इसका करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, ओके माय फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों ने एक लूप आज क्लियर कर लिया, एक लूप के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया। अब माय फ्रेंड्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इटरेशन स्टेटमेंट का सेकेंड लूप पढ़ाऊंगा, व्हाइल लूप, ओके। तो चलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। फिर मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेक्चर में व्हाइल लूप के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय दोस्तों।